students today we are going to start science chapter 3 digestive system let's start our chapter we should chew our food properly chewing chewing helps in digesting the food will you find it surprising that digestion starts at the mouth the food goes to various organs for further digestion before digestion the big pieces of food are broken down into small pieces let's discuss more about our digestive system हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए क्या आप जानते हो कि हमारा जो खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है वो अपने चबाने से शुरू हो जाता है जो कि मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा जो खाना हम खाते हैं उसको पहले मुँह में चबाते हैं और फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है और फिर वो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कम्प्लीट करता है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स वेरियस ऑर्गन एज माउथ फूड पाइप लिवर पेंक्रियाज स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल, विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस जैसा कि हम जानते हैं हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे माउथ फूड पाइप लीवर पेंकिया स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रैक्टम और एनएस ये सब हमारे ऑर्गनस है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारा लॉन्ग ट्यूब होता है लॉन्ग ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा डायजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री केनाल जो कि हमारे पूरे माउथ से शुरू होता है और एन एस पाके ख़त्म होता है द माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी जो माउथ है वो हमारा सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं द फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ थ्रोट सिचुएटेड इमिडिएटली बिलो द माउथ जो फेरिंग्स होता है वो हमारे थ्रोट जो होता है उसके पास ही होता है जो कि हमारे माउथ के बिल्कुल नीचे होता है द पार्ट नेक्स्ट टू द फिरिंग्स इज कॉल्ड द ईसोफेगस और द फूड पाइप और फिरिंग्स के बाद जो पाइप आता है वो हमारा फूड पाइप होता है जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं द ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक विच इज अलो कंटेनर दैट होल्ड फूड ईशोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है जो कि एक हॉलो कंटेनर होता है जिसमें हमारा खाना रुकता है द स्टमक लीड्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन द इंटेस्टाइन आर मस्कुलर लॉन्ग कॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलोन फिर स्टमक से हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड रहती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका जिसको हम कॉलोन भी कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को द लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट्स टू द रेक्टम एट द एंड ऑफ द रेक्टम देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा रेक्टम से कनेक्ट होता है और रेक्टम एक ओपन और फिर रेक्टम के जब एंड पे हम आते हैं तो ए एन एस होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है द लीवर पेंक्रियाज एंड कॉल ब्लैडर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बट दे हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस जो लीवर पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में के पार्ट्स नहीं होते हैं पर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द वैराइटी ऑफ फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू वेरी सिंपलर फॉर्म एंड इज़ यूज बाई आवर बॉडी द ब्रोकन डाउन ऑफ Food into simpler form by our digestive system is called digestion. The process of digestion involves certain steps. जो हम खाना खाते हैं वो छोटे चुट छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो कि एक सिंपल फॉर्म में हो जाता है फिर वो हमारी बॉडी में जाता है जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो वो बहुत सिंपल फॉर्म में जाता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं फर्स्ट माउथ डाइजेशन स्टार्ट्स एट द माउथ फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेज बाई फ्रंट इज एंड ग्राइंडिंग टीथ द सलाइवा सलाइवा इन अवर माउथ कंटेन सम केमिकल सब्सटेंस डैट मेल्ट विद फूड एंड मेक इट मॉस्ट एंड सॉफ्ट जो हमारा माउथ होता है वहाँ से हमारा डाइसिंग प्रोसेस पहले सबसे पहले शुरू होती है हमारे जो आँखे के दाँत होते हैं वो पहले जो खाना होता है उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ते हैं फिर ग्राइंडिंग टीथ से हम उनको चबाते हैं जिससे वो और स्मॉल पीस में जाते हैं फिर हमारे मुँह में जो सलाइवा होता है वो उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है जो खाने को सॉफ्ट बना देता है और मॉइस्ट बना देता है ईसो द टंग पुश द फूड डाउन टू द फूड पाइप थ्रू फेरिंग्स थ्रू द फूड पाइप द फूड रिचेज़ द स्टमक जो फिर हमारे जो टंग होती है वो खाने को नीचे की तरफ फूड पाइप की तरफ पुश करती है जो कि हमारे फिरिंग्स से होते हुए जाता है और जो फूड पाइप से खाना जाता है वो हमारे फिर स्टमक में जाता है लेवर इट सीक्रेट्स स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेज कॉल्ड द बाइल हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट लीवर में हमारा जूस होता है डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको हम बाइल कहते हैं जो बाइल होता है वो फैट को कम करने में हेल्प करता है स्टमक इट कंटेन्स सम डाइजेस्टिव जूसेज दैट आर मिक्सड विद फूड टू मेक थिक्स सूप ब्लैक पेस्ट फूड रिमेन्स इन द स्टमक अप टू अबाउट थ्री टू फोर आवर्स जो हमारा पेट में खाना जाता है उस तो हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे खाने के साथ मिल जाते हैं और थिक सूप लाइक पेस्ट बना देते हैं हमारे स्टमक में खाना जाते से ज़्यादा तीन से चार घंटे रहता है गोल ब्लैडर इट स्टोर बाइल एंड रिलीजेज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प इन एबजॉर्पेशन एंड डाइजेशन ऑफ द फूड अब जो गोल ब्लैडर होता है वो बाइल को रिलीज करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि जो कि एबजॉर्पन में हेल्प करता है और डाइजेशन के फूड में हेल्प करता है पेंक्रियाज इट ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन पेंक्रियाज भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेज को सीक्रेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टिड फूड पासिस इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जर्ब वाटर फ्रॉम द फूड एंड टर्न इट इन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फीसिस इट इजार्ज डिस्चार्ज इंटू द रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारे अनडेस्टेड uh, फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो हमारे खाने में से पानी को एब्जॉर्ब कर एबजॉर्ब करती हैं और फिर जो हमारा खाना होता है उसको सॉलिड फेस में कन्वर्ट कर देती हैं फिर वो हमारे खाने को रेक्टम में भेजती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन अकर्स विद इन जो हमारा आगे का ब्रेकडाउन होता है खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है रेक्टम रेक्टम रिसीव्स फेसिस फ्राम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोर और फिर जो रेक्टम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से आए हुए सॉलिड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है एन एस द फेसिस और वेस्टेज आर थ्रोन आउट फ्राम द बॉडी थ्रू एनस और फिर जो हमारा रेक्टम जो खाना सॉलिड uh, स्टोर करके रखता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू कीप अवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग प्रॉपर्ली वी नीड टू फॉलो सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अब हम हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें चाहते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे तो हमें कुछ करना भी होगा उसके लिए कुछ अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी अपनानी पड़ेंगी सो फर्स्ट इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील्स हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए ईट मील्स एट अ फिक्सड टाइम एवरी डे हमें रोज़ खाना एक ही टाइम पर खाना चाहिए ईट एंड चीज द फ्यूड प्रॉपरली हमें खाना अच्छे से चबा खाना चाहिए ईट बैलेंस्ड मील दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिकट क्वान्टिटीज़ हमें जो हम मील लेते हैं उसमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग हमें खाते समय बात नहीं करनी चाहिए डू नॉट ओवर ईट हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील ड्रिंक वाटर आफ्टर वन आवर ऑफ ए मील हमें खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए रिन्स माउथ प्रॉपर्ली आफ्टर एनिथिंग यू ईट खाना खाने के बाद हमें अपना मुँह अच्छे से साफ करना चाहिए डो नॉट प्ले इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग हमें खाना खाने के बाद हाल ही नहीं खिलना चाहिए